हैं, कंडेल हाथ में है, इसे अगले साल के लिए अच्छे से रख देंगे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई दूज है, सो आप लोगों को हैप्पी भाई दूज। मेरे यहाँ भाई दूज का फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, इसलिए मेरे यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आज बहुत खास और थोड़ा डर वाला दिन है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल सेकेंड डोज लेने, वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए। तो डर भी लग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार मुझे वैक्सीन लगी थी तो फीवर आ गया था, और जहाँ पर सुई लगा था वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था। तो इस बार सेकेंड डोज है, तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं और देखते हैं कि सेकेंड डोज लेने के बाद फिर से फीवर आता है कि नहीं। वैसे आज मेरे लिए बहुत खास दिन और बहुत ज़्यादा डर का दिन है, हालत ख़राब हो रहा है। पता नहीं, वैक्सीन लेने, एक तो सुई से डर लगता है और दूसरा वैक्सीन लेने के बाद क्या असर होगा इसका भी पता नहीं। पूरा सेंटर खाली है, यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है और पूरा सेंटर खाली है। जब तक फोर नहीं होगा तब तक डोज नहीं होगा। वैक्सीनेशन और अब हम लोग जा रहे हैं घर, देखते हैं कुछ देर में क्या होता है सेकेंड वैक्सीन का असर। लेट्स गो होम मम्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज योगमाया। टुडे इज संडे और संडे को देखिए कितनी अच्छी खिलखिलाती हुई सुबह सुबह धूप निकली है। ठंड बढ़ चुकी है और धूप बहुत प्यारी लगने लगी है। कल से सूर्य देवता का छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और मेरे यहाँ सारा लाइटिंग खुल रहा है। लाइट धूप में ख़राब हो रहा था, इसलिए सारे लाइट को खोला जा रहा है। कल जब मैं वैक्सीन ली थी तो उसके बाद वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ गया था और आर्म में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा रिलीफ है। और आज संडे है तो संडे को चलिए ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे जाते हैं और दिखाती हूँ मैं कि आज संडे को, संडे स्पेशल डे मॉर्निंग नहीं, संडे मॉर्निंग को आज किचन में चना का रसेदार छोला बन रहा है। अभी यहाँ पर चना बॉयल हो गया है और थोड़ा सा चना को पीस करके डाला गया ताकि गाढ़ा हो जाए। ये नेनुआ की सब्जी है जो कि गर्मा गर्म तैयार है। ये बन रहा है आलू का चोखा, जिसमें आलू को अच्छी तरह से बॉइल्ड आलू को मेस कर दिया गया है और लाल मिर्च का फोरन, पत्ता गोभी को फ्राई करके इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला दिया जाएगा। फिर से ऊपर आ चुकी हूँ और ये देखिए गुलदावदी में कलियाँ आने लगी है। अब धीरे धीरे इसमें फूल खिलेंगे और ये हिबिस्कस का फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके ठीक ऊपर ये फेरी लाइट जो कि ऊपर था अब नीचे हो गया है, क्योंकि इसे खोला जा रहा है। साथ ही फ्रेंड्स मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, और ये है रंगोली जो कि अभी तक है, छत पर बना हुआ रंगोली है और ये अभी सही सलामत है। बस ये जो सबसे शुरुआत की रंगोली थी उसका ये हालत हो चुका है।
फेरी लाइट खुल गए और यहाँ डब्बा में आ गए। ये वही डब्बा है जिसे पड़ोसियों ने गिफ्ट दिया था। नीचे कंडेल भी खुल चुका है और इस तरह से दिवाली का सारा डेकोरेशन खुल चुका है, बस ये रंगोली ही बच गया है। सारे लाइटें खुल चुकी है, सारा ये तोरण अब साल भर रहेगा और जितने भी लाइट फेरी लाइट थे सारे खुल चुके हैं, कंडेल खुल चुके हैं। कंडेल हाथ में है, इसे अगले साल के लिए अच्छे से रख देंगे। टुडे इज संडे, इसलिए साफ सफाई जोरों पर चल रही है। पहले दिवाली की सफाई हुई, जितना भी डेकोरेशन था उसे निकाला गया और अब गार्डन की सफाई हो रही है सारे सूखे पत्तों को जलाकर। वैसे ऐसा करना तो गलत है क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। वो अंदर किचन है और ये है पान का पत्ता, केला का पत्ता, और यहाँ पर देखिए केला, ये अभी केला कच्चा है, जब ये पक जाएगा तो आप लोग भी ज़रूर खाना। ये मेन गेट पर बना रंगोली का देखिए क्या हाल हो गया है।